नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश और आप देख रहे हैं एमटेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, बीवेयर करने वाला हूँ, सावधान करने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ से जिससे कि आने वाले समय में आपकी मोनेटाइजेशन डिसेबल हो सकती है। अभी जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो आपके डिस्प्ले पर, ये एक क्रिएटर का स्क्रीनशॉट है जिसने ट्विटर पर ट्वीट किया है या यूट्यूब को कि उसकी मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गई है रीयूज्ड कंटेंट की वजह से। जी हाँ दोस्तों, रीयूज कंटेंट, अगर आपकी वीडियो, अगर आपके चैनल पर एक भी ऐसी वीडियो है जो कि किसी अदर चैनल पे अपलोड है या फिर किसी और की है, चाहे आपने वो यूट्यूब से नहीं ली हो, किसी कहीं से और से ली हो, कहीं से डाउनलोड की हो, ठीक है, तो आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो सकती है। ठीक है, अब ऐसी बात नहीं है कि सारा कंटेंट आपका है, लेकिन आपकी आपके चैनल पर सिर्फ एक वीडियो ऐसी है जो कि वायरल हो गई है, जिस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ है और वो किसी और की है, तो दोस्तों ऐसे में हो सकता है कि आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया जाए। क्योंकि 25 जनवरी 2019 को यूट्यूब ने एक पॉलिसी निकाली थी, रीयूज कंटेंट पॉलिसी, जिसके अंतर्गत आप किसी अदर किसी और का कंटेंट यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी मोनेटाइजेशन डिसेबल हो सकती है, चाहे आपके कितने भी सब्सक्राइबर्स क्यों ना हो। आपने देखा होगा प्यूडीपाई और टी सीरीज के 70 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अगर उन दोनों ने भी ये गलती की कि उन्होंने किसी और चैनल का अपलोड कर दिया, किसी अदर वीडियो को अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, तो उनकी मोनेटाइजेशन भी डिसेबल हो जाएगी। 70 मिलियन डिपेंड नहीं करता यूट्यूब पर, ठीक है, तो यूट्यूब की स्ट्रिक्ट पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, आपको समझना चाहिए इस चीज़ को। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि अगर आप YouTube से पैसा कमाना चाहते हो तो ऐसी गलती मत कीजिए, किसी और का कंटेंट मत यूज़ कीजिए। तो बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला था, क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर आपकी मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाए रीयूज्ड कंटेंट की वजह से। तो ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।